दिल्ली में बीती रात करीब 10:15 बजे महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, धरती हिलते ही लोग घबराहट में घरों से बाहर निकले। नोएडा में भी लोगों ने 2 से 3 बार महसूस किए भूकंप के झटके, दौड़कर बिल्डिंगों से बाहर निकले लोग। पुरानी सोसाइटीज में लोग डर से सहमे। गाजियाबाद में भी लोगों ने कुछ सेकंड्स के लिए कंपन महसूस की, ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग सड़क पर बाहर आ गए, लोगों में दहशत दिखी। थोड़ी देर में पेश होगा दिल्ली का बजट, केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा में पढ़ेंगे बजट भाषण। बजट पेश करने में हुई देरी को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की भूमिका की जांच होगी, मामला विशेषाधिकार समिति को भेजने का फैसला लिया गया। दिल्ली के बजट पर सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तंज कसा, कहा ईगो के लिए हमें झुकाने की कोशिश हुई है, हम तो हैं ही बहुत छोटे लोग। दिल्ली में गरमाई बड़े छोटे भाई की लड़ाई, केजरीवाल ने कहा बड़ा भाई अगर रोज छोटे भाई को थप्पड़ मारेगा तो छोटा भाई भी कब तक बर्दाश्त कर लेगा। दिल्ली सरकार के बजट को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया लूट का बजट, बोले 550 करोड़ रुपए का बजट तो केजरीवाल अपना चेहरा दिखाने के लिए रखा करते हैं। राहुल से माफी की मांग और अदानी विवाद में जेपीसी जांच की मांग पर संसद में नहीं टूट रहा गतिरोध, कल भी हुआ हंगामा, समय से पहले खत्म हो सकता है सत्र। संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए जगदीप धनखड़ ने 23 मार्च को सभी दलों की बैठक बुलाई है, सदन की कार्यवाही पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले एक बार फिर विपक्ष ने सदन की गरिमा को शर्मिंदा किया है, राज्यसभा चेयरमैन की ओर से बुलाई गई बैठक का कुछ दलों ने बहिष्कार किया। अदाणी मामले पर जेपीसी की मांग पर अड़ी कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बोले मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में बोलने नहीं दिया गया, राहुल गांधी से माफी की मांग आधारहीन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।